हर तरफ ये रिश्ते हैं प्यार के शो के ऑफेयर हो जाने के बाद खबरें जोर पकड़ रही हैं कि अब राजन शाही का लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भी अपने फैंस को छोड़कर जाने वाला है और होने वाला है ये शो भी ऑफ एयर। लेकिन जहां इससे पहले शो से जुड़ी कई सारी डिफरेंट अपडेट्स आएंगी कि कैसे कार्तिक इस शो को छोड़ने वाले हैं या फिर शो हो रहा है ऑफ एयर, तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो बता दें कि आपके कार्तिक कहीं भी नहीं जा रहे हैं इस शो को छोड़कर। उनका जो फिलहाल मिसिंग का ट्रैक चल रहा है वो सिर्फ अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कार्तिक का रोल प्ले करने वाले हैंडसम एक्टर मोहसिन खान शो से वापसी कर रहे हैं या शो को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें शो रिश्ता क्या कहलाता है कि ख़त्म होने की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताए देते हैं कि शो में अंत तो होगा लेकिन कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी का नहीं बल्कि इनकी मुश्किल और परेशानियों का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक और नायरा एक बार फिर बचाकर सारे मुश्किल परेशानियों से छोरी को बचाकर घर ले आएंगे और उसके बाद शुरू होगा नायरा और कार्तिक की लाइफ का नया सफ़र, जहाँ पर नायरा की बच्चा होगा और इनकी लाइफ भरपूर हो जाएगी और तीन बच्चों के साथ हमारे कायरव और हमारे नायरा कार्तिक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते आएंगे नज़र। और बहुत जल्द आप शो में देखेंगे कि कार्तिक और नायरा तीन बच्चों के माँ बाप बने आएंगे नज़र, जिसमें पहला है कायरव, दूसरी होगी कार्तिक नायरा की नन्नी सी जान और तीसरी होगी कृष्णा। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में यही एक ट्विस्ट होने वाला है कि वो दोनों लीगल अडॉप्ट करेंगे कृष्णा को और उसे अपने आप से दूर कहीं भी नहीं जाने देंगे, और जिसके बाद इन दोनों की सारी मुश्किल परेशानियों की सारी ट्रेजिक एंडिंग हो जाएगी और यहाँ पर शुरू होगा खूबसूरत सफ़र जिसमें हमेशा हमेशा के लिए ये सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। और एक बार फिर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ नए रिश्ते नज़र आएंगे जिसमें कार्तिक और नायरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे।